सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेस्टिवल स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी जिसका नाम है गूने। ये नॉर्थ इंडिया में गणगौर के त्योहार पर बनाई जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 250 ग्राम मैदा ले ली है। मैदा को गूंथकर हम इसका आटा लगाने वाले हैं। इसके लिए हम इसमें सबसे पहले मोइन डाल देते हैं। मोइन के लिए मैं 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को मैदा के साथ अच्छे से मिला लीजिए। मोइन की क्वांटिटी ठीक डली है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इस तरह से खूब सारा मैदा हाथ में लेकर उसे प्रेस करके देखिए। अगर वो इस तरह से लड्डू जैसे बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने मोइन बिल्कुल परफेक्ट लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे गूंथ लेंगे। ध्यान रखिए कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि गूने बनाने के लिए हमें आटे को टाइट लगाना है और ज़्यादा पानी डालने से वो लूज़ हो सकता है। ये देखिए, टाइट आटा लगा कर रख लिया है हमने। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे बेल कर गूने की शेप देंगे। इसके लिए मैं पूरे आटे को दो पार्ट में डिवाइड करके बड़ी लोई बना लेती हूँ। अब हम इसे बेल लेते हैं। गूने बनाने के लिए आप इसे हमेशा थोड़ा मोटा ही बेलें और ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी थिकनेस सब तरफ से बराबर हो। गूने आप थोड़े बड़े और मोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो देखने में तो सुंदर लगेंगे ही, साथ ही साथ खाने में भी बड़े सॉफ्ट होंगे। ये देखिए, इस तरह से बेल लीजिए इसे। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके लिए मैं इसे करीब 1 इंच के पोर्शंस में कट कर रही हूँ। साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे निकालकर बाकी के आटे में मिला लीजिए ताकि इसकी शेप इवन आए। एक कट मैं इसके सेंटर में भी लगा देती हूँ। अब हम एक एक पीस उठाकर उसे उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे और एंड में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उससे चिपका देंगे। ध्यान रखिए कि आपको इसे अच्छे से चिपकाना है, वरना ये फ्राई करते टाइम खुल जाएगा। इसे साइड में एक प्लेट में रख देते हैं और बाकी के पीसेस को भी इसी तरह से उंगली पर लपेट कर शेप दे देते हैं। बाकी के बचे हुए आटे की भी आप इसी तरह से एक बड़ी लोई बनाकर उसे मोटा बेल लीजिए और उनके भी इस तरह के बड़े बड़े पीसेस काट कर गूने की शेप दे दीजिए। ये देखिए, सारे आटे के गूने बनाकर रख लिए हैं हमने। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं गूनों को फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बड़े ही ध्यान से एक एक करके इन्हें डाल देते हैं। एक बार में आप इसमें 10 से 12 गूने डाल दीजिए। इन्हें तलने के लिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रख रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। सभी तरफ से बराबर तलने के लिए आप इन्हें बीच बीच में चम्मच से पलटते रहिए। हमें इन्हें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर गैस मीडियम फ्लेम पर है तो इसमें 7 से 8 मिनट तक का समय लग जाएगा। 8 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इस तरह की एक टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालते वक्त चम्मच को इस तरह से थोड़ा हाथ से झटक दीजिए ताकि इनका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए गूनों को भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी उसी टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम इनके लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप यानी 200 ग्राम के करीब चीनी ले ली है। इसमें हम 1/3 कप के करीब पानी डाल देते हैं और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर करके इसे पका लेते हैं। लगातार चलाते रहना है हमें इसे। गूनों के लिए हम 1 तार की चाशनी बना रहे हैं। चीनी को करीब 3-4 मिनट पकाने के बाद आप इस तरह से एक कटोरी में उसे डालिए और ठंडा होने के बाद चेक कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा तार बनने लग गया है इसका।
इसका मतलब है हमारी चाशनी तैयार हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद हमने जो गूने फ्राई करके रखे थे उन्हें एक एक करके इस गरम चाशनी में डाल देंगे। एक चम्मच लेकर चाशनी को गूनों पर अच्छे से चढ़ा दीजिए इस तरह से। जब आपको लगे कि गूने पर चाशनी अच्छे से चढ़ गई है तो उन्हें निकालकर एक अलग बोल में रख दीजिए। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए गूनों पर भी चाशनी चढ़ा लेंगे। चाशनी चढ़ाने के बाद आप इन्हें तुरंत ना खाकर आधे घंटे के लिए ठंडा होने को छोड़ दें। इससे चाशनी गूनों पर अच्छे से जमकर सेट हो जाएगी। गूने इस तरह से बनाने के बाद आप इन्हें कई दिनों तक खा सकते हैं, ये करीब एक महीने तक खराब नहीं होते। इसी के साथ हमारी गणगौर त्यौहार की स्पेशल रेसिपी गूने बनकर तैयार हो गए हैं। इस बार बाजार से लाने के बजाय आप इन्हें घर पर ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे पक्का से लाइक करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।